हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम परस्पेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंटर जो बीएड फर्स्ट ईयर रो जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट टू रे मो ऑलरेडी पियाजेट कर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मो ऑलरेडी अपलोड कर दीजी, आपण प्लेलिस्ट जे देख परबे यूनिट टू रे अछि। एवं आज आम पुणे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करबा एरिक्सन कर जो साइको सोशल थियरी। तो चलतु साइको सोशल थियोरी बाय एरिक्सन विषय में डिस्कस करवा। टोटल यूनिट टू में पांचटा क्वेश्चन अच्छे, पांचटू ए वर्ष तीन टाइम जब आप पढ़ाऊँ पियाजेट को थियोरी, एरिक्सन को थियोरी, कॉलबर्ग को थियोरी, डेफिनेटली आपने गोटे लंग क्वेश्चन पाइपर ए दिरा किसी आवश्यक ना। तो चलतु फर्स्ट क्वेश्चन आम पढ़ा जे एरिक्सन जो साइको सोशल थियोरी जो रही चलत डिस्कस करवा। देखो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन को मतरे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी आर कैटेगराइज्ड इन एट स्टेज। तक मतरे जो मनुष्य गोटे गोटे व्यक्तिर जो तार विकास और तार व्यक्तित्व पर्सनालिटी को आठटा स्टेज कैरेक्टराइज कर। तो फर्स्ट आम स्टेज वन विषय पढ़ा, एमती स्टेज टू, स्टेज थ्री पकड़ आरम्भ पूरा जो आठटा स्टेज अच्छे चलो विषय डिस्कस करवा वन बाय वन। सो फर्स्ट कहला जे स्टेज वन ले कहला, स्टेज वन तार नेम दे कौन जे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ए यार जो इयर रोज जन्म रु दुई वर्ष भितर यार जो जो स्टेज वन तार पीरियडा रही है तार ट्रस्ट और मिसट्रस्ट तैयारी होके। अच्छा जे जमी ये पढ़ी आइए जो गोटे व्यक्तिर गोटे ह्यूमेन तार पर्सनालीटी और डेवलपमेंट तार जो जहाँ भी कि डेवलपमेंट हो पर्सनालीटी जहाँ भी कि इम्प्रूव हो तो आम जानूँ आठटा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में तार कौन थे मैं जो डेवलपमेंट हो जो तार पर्सनालीटी कौन आसना ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आस जन्म रु दुई वर्ष तार हो पीरियडा रही है स्टेज वन में आउ थे कहीदेली ओके। सो ट्रस्ट में कौन हो मिसट्रस्ट कौन हो देखो ट्रस्ट में हो ट्रस्ट इज पॉजिटिव जानजे द न्यूली बोर्न इनफेंट होली डिपेंड्स ऑन हिम मदर। मुझे अवश्य समस्त भी जानते जे गोटे नुआ जो पिलार जन्म नौ टोटाल माँ पर डिपेंड करुँच तेणु सी प्रोवाइड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल नीड तार जिते जहाँ कि फिजिकल नीड्स हो खाद्य पर आरम कर सब जिन माँ पुओ को दे थाए। दे आर डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ देयर पर्सनालिटी एज ट्रस्ट टुवर्ड्स देयर मदर एवं जहाँ फल कौन हो पिलाटी तार माँ आड़ गोटे पॉजिटिव ट्रस्ट गुट आसूँ। मिसट्रस्ट में कौन होना मिसट्रस्ट हो मिसट्रस्ट इज नेगेटिव जानचे आम। तो इफ द फिजिकल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड दे डेवलप ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिसट्रस्ट विथ देयर मदर और टेक केयर। तेणु जदि जिते बदि माँ तार पु प्रति तार पिला प्रति जदि फिजिकाली किसी जहाँ भी किसी नीड्स रही है खाद्य पाकर आरम्भ कर वस्त्र मानते केयरिंग सबकि जदि से न दौर दैट मीनस पिलार तार प्रति गोटे मिसट्रस्ट क्रिएट हे ओके। स्टेज टू रे पढ़ा, स्टेज टू रे होची जेरा कि तार पीरियड होची दुई रु तीन वर्ष यार जो कौन एटी मान तैयारी होची ना ऑटोनॉमी एंड सेम एंड गिल्ड। सो ऑटोनॉमी रे कौन पढ़ा एवं सेम रे बा गिल्ड रे कौन कौन पढ़ा। ऑटोनॉमी रे कहला द चाइल्ड कौन बुझे ऑटोनॉमी कौन बुझे द चाइल्ड डेवलप्स ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम एज दे ग्रो दैट इज फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। पिलाटी जिते बेले जमी धीरे धीरे बढ़े तेज गोटे प्रकार कॉन्फिडेंस तैयार हुए एवं से फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग भी हुए। सो दे बिकम ऑटोनॉमिक एंड हैव सेल्फ कंट्रोल। ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक जेटा कि निज प्रति निजे बिल्ड हुए कौन ना फिजिकली से स्ट्रांग हुए मेंटली स्ट्रांग हुए कॉन्फिडेंस भितर बिल्ड हुए एवं से सेल्फ कंट्रोल भी कर पाए। सो एठी विल होचे ए स्टेज रे गोटे बहुत बड़ जिनस तैयारी हुए ओके। नेक्स्ट कला सेम रे जे इफ ऑटोनॉमिक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज नॉट डेवलप्ड जदि ए जो ऑटोनॉमी प्रकार जो गोटे व्यक्ति भितर जदि कॉन्फिडेंस जदि तैयारी न होची देन दे फिल सेम एंड गिल्टी अबाउट तेज तापर से खराब लगे गिल्ड फिल हे से विभिन्न जिनस को मैनिपुलेट करना। सो दे डाउट अबाउट देमसेल्वस एंड फिल इन इनफेरियर अबाउट तेनालीराम विभिन्न प्रकार जिन प्रति डाउट क्रिएट हे और सब जिन प्रति से गोटे इनफेरियर गोटे जो कहीपर जो गोटे नीच जिन मैंने सुपेरियर भावे निजी निजी इनफेरियर भावे कहीं भितर गोटे कन्फिडेन्स बिल्ड है तेनालीराम कन्फिडेन्स जब बिल्ड हे ऑटोनॉमी क्रिएट हे जी कन्फिडेन्स जब बिल्ड न होती सेम ए गिल्टी तैयारी होके। नेक्स्ट पढ़ा स्टेज थ्री रे कहला जे स्टेज थ्री रे कहे जे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड यार पीरियड हो टाइम समय सीमा होन रु पांच वर्ष भितर पे कौन या इनिशिएटिव तैयारी हो गिल्ड भी हो। तो इनिशिएटिव कौन देखा जे पर्पज इज द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड तेनाली प्रथम जिन पर्पज जोटा कि गोटे बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होता है द चाइल्ड वांट्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू पिलाटा कि नुआ जिन प्रोड्यूस करने चाहिए था दे विल बी मोर क्रिएटिव एंड कॉम्पिटेटिव पिला माने बहुत क्रिएटिव एवं कॉम्पिटेटिव होती। एवं एठी कौन कहला
जे तेणु सब गोटे इनिसीएटिव गोटे जिनस आप बुझीपे गिल्ड रखे इफ दे डोंट डेवलप द बेसिक स्ट्रेंथ पिला भितर जब बेसिक स्ट्रेंथ या न हो तेज गिल्टी फिल हे तेणु ये मेन जिनस है स्ट्रेंथ तेणु स्ट्रेंथ जदि तैयारी हो तबे स्टेज तबे तांको मधे इनिशिएटिव क्रिएट होउची जदि स्ट्रेंथ जदि तयारी होनी तबे गिल्टी तयारी होउची ओके द चाइल्ड वांट्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू जेमदि कोइली पिलाटी गुदे ता मधे स्ट्रेंथ तयारी होम ऑटोमेटिक बिचा सोल चाहिबो एउ नुवा जेंस तयारी करिव देठी द पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड प्रोवाइड कहउची एरे जे कोन करे दरकार जे पेरेंट्स एवं टीचर्स शुड प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कीप अवे फ्रॉम गिल्टी गोटे पेरेंट्स हो टीचर हो से माने गोटे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी पिलानक पय ठीक करिया दरकार काहेकिना ताको भितरे गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड तयार करिया पय एवं से माने जादरक तांको गिल्टी थारो से माने दूरे माने तांको निजुकु दूर करि रख परिबे ओके स्टेज 4 रे कहला इंडस्ट्री एंड इनफेरियोरिटी एटा 5 रु 12 वर्ष होइथाय सो द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन दिस स्टेज इज कॉम्पिटेंसी तो कंपिटेंस जदि तैयारी होजी तबे इंडस्ट्री में कहबा एवं इनफेरियोरिटी कोन नाउ द चाइल्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ एंड इट इज नॉट हार्ड वर्किंग तो जदि कॉम्पिटेंस तैयार न होजी तबे इनफेरियोरिटी हबो बहुत इजी कथा तो ए सब अपन बेसिक पॉइंट मन रखिबे जेमते मु कहली जे ट्रस्ट रे मु कोन कहली मु जे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट रे कहली जे ट्रस्ट होजी पॉजिटिव एटा होजी नेगेटिव तेणु एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा कहला जे एटा होजी पॉजिटिव एटा गोटे नेगेटिव एटा गोटे क्लियर गोटे हो टू रे कहली ऑटोनोमी आउ सेम जे एटी मेन जिन होजी कॉन्फिडेंस ऑटोनोमी बा सेम रे होजी स्टेज टू रे कॉन्फिडेंस जदि जिनस तैयारी होजी तबे ऑटोनोमी होजी कॉन्फिडेंस जदि डाउन होजी तबे सेम आसुची पुणी 3 रे कहली स्ट्रेंथ जदि स्ट्रेंथ जदि तैयारी होजी इनिशिएटिव होजी जदि स्ट्रेंथ माने हो नाही डेवलप तबे गिल्टी होजी स्टेज 4 रे मु कहली एबे जे कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी जदि होउची तार इंडस्ट्री होउची कॉम्पिटेंसी जदि जदि डाउन होउची तबे इनफेरियोरिटी होउची सेवा स्टेज 5 रे आसिला जे अच्छा कोन कहला हां स्टेज 5 रे आसिला आइडेंटिटी एवं रोल कन्फ्यूजन तार होउची जो पीरियड टाइम होउची 12 रु 18 वर्ष भितर पिलानकर कोन होउची तनो एठे होउची फेडिलिटी फेडिलिटी जदि जदि डेवलप होउची तबे तार निजर आइडेंटिटी जानि परउची जे तार बंधु बा पियर ग्रुप मानक मध्ये तार जो आइडेंटिफाई से जो करिबर जे मु किए मु कोन ओके एवं जदि फेडिलिटी जदि होउ नै तबे ता भीतर कन्फ्यूजन आछु जे सि किए ऑब्वियसली सो इफ द चाइल्ड इज नॉट आइडेंटिफाई बाय द पेरेंट्स बा टीचर्स बा पियर ग्रुप्स एटसेट्रा देन द चाइल्ड डेवलप्स रोल कन्फ्यूजन ऑब्वियसली ता भीतर से कदा कन्फ्यूज क्रिएट हो जे मु किए मोर रोल कोन रहिछि ओके तो फेडिलिटी होजे मेन जिनस एठे स्टेज 6 रे कहला जे इंटीमेसी आउ आइसोलेसन या रहूजे 10-18 to 40% तार जो पीरियड टाइम टे रही सो एठी हूँ इंटीमेसी रोचे लव इंटीमेसी रे किए आसला लव तो लव रखा लव इज द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप तो ए स्टेज रे जदि लव जदि तैयारी होजी तबे तार मधे गोटे इंटीमेसी आसुची जदि लव जदि तैयारी हो जाए तबे से समस्त पृथक हो आइसोलेट अलग हो चली ओके स्टेज 7 रे कहला आउ दुईटा रहा 7 रे कहला जेनेरेटिविटी आउ गोटे आउ हूँ स्टाग्नेसन एटा 40-60 तो यार हूँ बेसिक जिन केयर केयर जदि आसमें जब केयर करूचे तेज ताकि गोटे जेनेरेटिविटी सृष्टि यादि आम केयर करूने तेज ताकि स्टाग्नेसन जिनसा आसी ओके लास्ट कला हूँ स्टेज 8 रे इंटीग्रिटी आउ गोटे डिस्पेयर इंटीग्रिटी कौन कहला ना एटी यार मेन पॉइंट हूँ विजडम जब विजडम जब डेवलप होती गोटे इंटीग्रिटी पावर आदि विजडम जब ये जिनसा कमी जा डेवलप हो पारना तेज भितर विभिन्न प्रकार सब प्रॉब्लम तैयारी होके सो ए भिडियो आम डिस्कस कले एरिक्सन साइको सोशियल थ्योरी विषय में आई होप जब भिडियोटी आपको भल लगे पिला प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर भी करेंगे तो थैंक यू एग्जाम नेक्स्ट मंथ रे होबा को जाउची समस्त भल से पढ़ापढ़ी करो प्रिपेयर हुओ ऑल द बेस्ट।